एजेंसी प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला। 25 दिसंबर को अवार्ड कैसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। निवेदन है डॉक्टर सीपी जोशी महोदय माननीय विधानसभा अध्यक्ष का उद्बोधन के लिए। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, सुभाष जी गर्ग साहब, मंत्री अर्जुन जी बामनिया जी, भूतपूर्व मंत्री और विधायक महेंद्र जीत मालविया जी, विश्वविद्यालय के कुलपति जी, बांसवाड़ा के चेयरमैन साहब और इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी विद्यार्थीगण और अन्य अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विशेष तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी बता रहे थे कि जब जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी विश्वविद्यालय खोले हैं उनका निर्णय करने का काम माननीय गहलोत साहब ने किया और ये इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि ग्रोस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बढ़े, राजस्थान उसमें पीछे नहीं रहे और आप सबके, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आज हमारा ग्रोस एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बढ़ रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात सही है कि जितने विश्वविद्यालय हमने खोले तो जो एसेसिबिलिटी है वो इशू खत्म हो गया, ऐसा कोई संभाग नहीं बचा जहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसा कोई संभाग नहीं है जहां पर जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह का विश्वविद्यालय नहीं हो। कहीं कृषि विश्वविद्यालय है, कहीं पुलिस के विश्वविद्यालय है, कहीं आयुर्वेद का विश्वविद्यालय है। इस दृष्टि से हमने राजस्थान में जो कुछ भी एक्सपांशन किया है, आज अवसर आ गया है हम नए सिरे से उस एक्सपांशन को कंसोलिडेट करने के बारे में चर्चा करें और इसीलिए मैंने आज इस वीसी में भाग लेने का लोभ समर नहीं कर पाया। मैं कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर जो मेरा अनुभव है, मैं नाथद्वारा से हायर सेकेंडरी की और मैं पढ़ने का मुझे मौका मिला उदयपुर में, तब राजस्थान में विश्वविद्यालय था राजस्थान विश्वविद्यालय और उदयपुर में मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय था। मुझे उस मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला और उस समय की कल्पना को मैं आज जब इंट्रोस्पेक्ट करता हूं तो उस समय के नेता मोहनलाल सुखाड़िया जी के मन में कल्पना थी कि राजस्थान में हम कृषि के क्षेत्र में कैसा काम कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में कैसा काम कर सकते हैं। देश आजाद होने के बाद कृषि के क्षेत्र में एक्सटेंशन की, रिसर्च की, शिक्षा की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय उन्होंने कल्पना की, अमेरिका के ओयो यूनिवर्सिटी से कोलोब्रेशन करके मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थापित की और इसी कारण उस यूनिवर्सिटी में बीकानेर का वेटनरी कॉलेज था, जोबनेर का एग्रीकल्चर कॉलेज था और जैसे जैसे एग्रीकल्चर की विधाएं देश में बढ़ रही थी एक्सटेंशन सर्विसेज को बढ़ाने का काम भी हो रहा था, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, ये तीन काम प्रभावशाली ढंग से मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी में हो रहे थे। बाकी जितनी यूनिवर्सिटी थी वो रिसर्च का काम कर रही थी लेकिन एक्सटेंशन का काम उन यूनिवर्सिटी में नहीं था। आज मैं ये लोभ संवरण करना चाहता हूं कि गुरु गोविंद जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह पर है जहां पहली जनरेशन के बच्चे पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये विश्वविद्यालय जो आपने स्थापित किया ये वो विश्वविद्यालय वहां पर है जहां पर पानी की बहुतायता है। आजादी के बाद हमने जितने इरिगेशन के डैम बनाए हैं, चाहे माई का हो, चाहे जाखम का हो, चाहे सोम कामला का हो, हमने सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का पोटेंशियल, इरिगेटेड पोटेंशियल डेवलपमेंट का काम किया है वो हमने बांसवाड़ा इलाके में किया है। पर बांसवाड़ा में हमारे जो जनजाति के भाई है वो पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन के लोग है जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय में हम किस तरह से एक्सटेंशन सर्विसेज को रेंडर करें जिससे वो आदिवासी इलाके के जिन्होंने जंगल में रहकर अपना जीवन यापन किया उनकी क्षमताओं का संवर्धन कर सके। हम इस दृष्टि से भी इस विश्वविद्यालय में हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है। हमें यह भी सोचने की आवश्यकता है कि जब पहले जनरेशन का विद्यार्थी पढ़ रहा है और आगे जाके काम कर रहा है तो जो न्यू चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम किस तरह से उसको तैयार कर रहे हैं। आज आईटी का जमाना आ गया है, महामारी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हो गया है कि आज घर पर बैठकर आईटी के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। क्या हम कल्पना कर रहे हैं कि आदिवासी बच्चा
जो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन करेगा उसके माँ बाप को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है कि एक्सटेंशन सर्विसेज को हम ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लागू करें जिससे वो बच्चा आईटी की एजुकेशन का लाभ ले सके। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, आदिवासी इलाके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी से यदि हमने उनको तैयार नहीं किया तो वो फिर जो प्रगति और स्पर्धा के उसमें पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान और हमारे जो नौजवान पीढ़ी के लोग जो खास तौर से बांसवाड़ा के बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रयास किया है उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज नए सिरे से उनको भी अपने आप की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इन चैलेंज को मुकाबला करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ के काम कर सकें, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की थी और निवेदन किया था कि हमारे एक इंस्टीट्यूट है आईडीएस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम एक नए करिकुलम को हम कल्पना करें। ये जो विश्वविद्यालय है वो केवल मात्र डिग्री देने का विश्वविद्यालय नहीं बने, ये विश्वविद्यालय बने एक्सटेंशन सर्विसेज के, उन लोगों के बच्चों के जीवन में परिवर्तन करने का काम हम कैसा कर सकते हैं। आज ट्राइबल इलाके में परफॉर्मिंग आर्ट का बहुत बड़ी उनकी क्षमता है, उस परफॉर्मिंग आर्ट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज नई नई विधा आ गई, यूट्यूब आ गया, क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए बॉलीवुड में जाने की जरूरत नहीं है, ओटीटी का माध्यम आ गया, ये नए नए जो माध्यम आ गए जिसमें परफॉर्मेंस आर्ट के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिए भी हमें वहां पर सेंटर खोलने की आवश्यकता है। एक्सटेंशन सर्विसेज जो सर्विसेज उनकी क्षमताओं का संवर्धन करें, उनकी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम कर सके और माँ बाप को आईटी के माध्यम से बच्चा जो पढ़ाई करेगा जैसे जैसे क्लासरूम के अलावा जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई के संबंध में भी हमें निश्चित तौर पर एक नए एक्सटेंशन सर्विस करने की आवश्यकता है। अभी अर्जुन जी भावना जी कह रहे थे कि हम यहाँ पर जयपुर में और हॉस्टल खोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आईटी के माध्यम से आप कहीं भी हॉस्टल खोलें, लेकिन आईटी के माध्यम से यदि एक आईटी बेस्ड लाइब्रेरी यदि हम बांसवाड़ा में खोलते हैं तो उस आईटी बेस्ड लाइब्रेरी के अंतर्गत वो सारी किताबें उपलब्धता हो सकती है आईटी के माध्यम से, वो बच्चा बांसवाड़ा में ही पढ़कर सारी चीजों को पढ़ सकता है, उसके लिए उसे कोई जयपुर और दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी जिसमें आईटी के माध्यम से उसे लिंकेज हो उसकी सुविधा यदि हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर में उपलब्ध करा दें तो मैं समझता हूँ कि वो उसके पास ज्यादा सुविधाएं वहां उपलब्ध हो पाएगी और उसको वहां से आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हम स्पोकन लैंग्वेज को स्ट्रेस करने के लिए यदि संभव हो तो बांसवाड़ा के जितने यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं वहां कम से कम हम लैंग्वेज लैब की स्थापना करें जिससे बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ लैंग्वेज को इक्विप करने का काम कर सके। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब 1960s में राजस्थान में एग्रीकल्चर की सर्विसेज को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने के लिए यदि ओयो स्टेट की यूनिवर्सिटी से कोलोबरेट करके हम ये काम कर सकते हैं तो 60 साल के बाद राजस्थान में ऐसे विश्वविद्यालय हैं, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय है, चाहे बीकानेर का विश्वविद्यालय है, चाहे जोबनेर का विश्वविद्यालय है, जहां पर एनिमल हस्बेंड्री की जानकारी है, जहां एग्रीकल्चर की जानकारी है, जहां एक्सटेंशन सर्विसेज की जानकारी है, उन सबको आत्मसात करते हुए हम जो विश्वविद्यालय स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा कोर्स करिकुलम इस तरह की भी हम इंट्रोड्यूस करें तो मैं समझता हूं कि हम इस विश्वविद्यालय की महत्ता को और आगे बढ़ा सकेंगे। अभी माननीय कुलपति जी बता रहे थे कि भाई आप सौभाग्यशाली है कि मुख्यमंत्री जी ने आपको 2 बार विश्वविद्यालय उदयपुर का वाइस चांसलर बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको 3rd बार अवसर दिया है एक विश्वविद्यालय जहां बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। ये बांसवाड़ा का विश्वविद्यालय है जहां पर आदिवासी हमारे बच्चे रहते हैं, जहां पर वेद के बारे में जानकार लोग रहते हैं, जहां पर नेचर ने इतनी अबंडेंस दी है, वहां पर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से हम बहुत बड़ी हबखड़ी कराएं तो लोगों की माली हालत भी सुधरेगी। एनिमल हस्बेंड्री बेसिस हम उनको ट्रेनिंग दें तब भी उनके क्षमताओं का समर्थन होगा। कुल मिलाकर 70 साल में आजादी के बाद राजस्थान की अलग अलग जगह पर जो कुछ भी हमने काम किया है उसको कंसोलिडेट कर ओयो स्टेट की तरह राजस्थान की इंटीग्रेटेड जो जानकारी है उसको बेस बनाकर हम करिकुलम बनाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय यूनिक विश्वविद्यालय बनेगा।